आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के सीएम के सुपुत्र और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जो कुछ चल रहा है वो एक सड़क छाप पॉलिटिक्स है, लेकिन वो धैर्य बनाए हुए हैं। आदित्य ने कहा कि इस मामले में उन पर और उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड मुंबई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत से लोगों का जीवन इस पर निर्भर करता है। हाँ, मेरे भी इस इंडस्ट्री के साथ बहुत से संपर्क है, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन बहुत शॉकिंग है और दुखद है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो जो प्रोटोकॉल में यकीन नहीं रखते हैं वही लोग हैं जो जांच को गुमराह किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। बाल ठाकरे का नाती होने के नाते मैं ये बता दूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे महाराष्ट्र शिवसेना और ठाकरे की साफ छवि को पट्टा लगे। जो लोग आधारहीन आरोप लगा रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए। इसके बाद आदित्य ने कहा कि कोई भी जिसे इस मामले में कोई जानकारी हो उसे पुलिस से संपर्क करना चाहिए। मैं बहुत धैर्य के साथ सक्रिय बना हुआ हूँ। किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो इस मामले में सरकार और ठाकरे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये ओछी राजनीति है, लेकिन मैं धैर्य बनाए हुए हूँ। लोग चल रहे हैं कि ऐसा महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी के चलते हो रहा है। कुछ लोग बेमतलब ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं और ऐसा उनकी खीज और राजनीतिक नाकामयाबी के चलते हो रहा है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना इंसानियत के दामन पर दाग है। मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी आदित्य ठाकरे की सफाई जो उन्होंने दी है, लेकिन आदित्य ठाकरे ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो लगातार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस जांच को सामने नहीं रख रही है। आखिर 40 दिन में पुलिस ने क्या किया? आखिर क्यों एक आईपीएस ऑफिसर को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया? आखिर कहाँ है सुशांत सिंह राजपूत के घर के सीसीटीवी की फुटेज? आदित्य जी, यहाँ सवाल आपके परिवार की इज्जत का या सरकार की इज्जत का नहीं, एक होनहार युवा नौजवान की जिंदगी का है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, और इसका जवाब आपको और आपकी सरकार को देना ही होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।